ड्रामा कभी मैं कभी तुम की आज की किस्त में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा जिस जगह इंटरव्यू देने जाता है वहाँ का ऑनर मुस्तफ़ा को कहता है कि मुस्तफ़ा तुम बहुत आगे तक जाओगे, गेमिंग में तुम्हारा नाम एक सितारा बन के चमकेगा। मुस्तफ़ा को एक नई गाड़ी मिलती है तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं अपने बच्चे को अपनी नई गाड़ी में ही लेकर वापस आऊंगा। मुस्तफ़ा की गैर मौजूदगी में शर्जीना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब मुस्तफ़ा घर पहुँचता है तो वो जमीन पर गिरी होती है। मुस्तफ़ा शर्जीना को इस हालत में देखकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर से कहता है कि प्लीज मेरी जीना को बचा लें। डॉक्टर मुस्तफ़ा को कहती है कि सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके और आपकी बीवी की हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक है। मुस्तफ़ा जब शर्जीना की हालत देखता है वो उससे मिलने आता है और कहता है कि तुमने तो मेरा साथ निभाने का वादा किया था, अब जब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं तो तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। अदील की हकीकत जब सबके सामने आ जाती है तो रुबाब और उसका बाप अदील के माँ बाप को भी घर से निकाल देते हैं। अदील की माँ अपने शोहर से कहती है कि रुबाब और उसके बाप ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, जिस पर उसका शोहर उसे कहता है कि हमारा गैरों से क्या शिकवा, हमारे तो खुद के बेटे ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया और हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। मुस्तफ़ा जब घर आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने पैसे कमाने के चक्कर में शर्जीना को खो दिया है। अगर आज शर्जीना को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा।